Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफ़त, जुलेखास किचन से। मैंने सोचा आज दो रेसिपीज कंबाइन करते हैं अपने कोफ्ते की, मटन कोफ्ते की। तो एक है मटन मलाई कोफ्ता ग्रेवी और दूसरी है नॉर्मल जो रेड वाली आती है मटन कोफ्ता ग्रेवी जो लाल वाली आती है वो। तो ये दो डिफरेंट स्टाइल की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इन्ग्रीडियंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिशेज बनाते हैं आज की। चलिए एक चॉपर के अंदर सबसे पहले मैं हरी मिर्चियां डाल रही हूँ। मैं दो डाल रही हूँ, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। धोई हुई नितारी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया है वो भी डाल दीजिए। मैंने थोड़े से 5-6 कली लहसुन की ली है। बड़ी पीसेस हो तो आप दो ही डालिएगा। अच्छा, ये है मटन, 250 ग्राम मटन है, बोनलेस है। इसकी मैंने चना बोटी की है और आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसके ऊपर चर्बी लगी हुई है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, बट मैं हमेशा यहाँ पर ये बोनलेस ही लेती हूँ। इनमें मसाले डाल देते हैं। आधा छोटे का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे का चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया, आप चाहे तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा छोटे का चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटे का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटे का चम्मच नमक डाल दीजिए, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, आप चाहे तो कम भी डाल सकते हैं। एक ब्रेड को मैं इस तरीके से पीसेस करके डाल रही हूँ। आप चाहे तो एक ब्रेड को पानी में थोड़ा सा डिप कर लीजिए, अच्छा निचोड़कर फिर डालिएगा। मैं नॉर्मली ही डाली हूँ। ये 2 टेबलस्पून बिरिस्ता है, प्याज का बिरिस्ता, थोड़ा सा फैट था तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून घी डाला है, असली घी। आप तेल भी डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब इसे ढक कर बहुत ही अच्छा इसे पीस लीजिए। अच्छा, पीसना ऐसा है ना कि जैसे हम सीख कबाब के लिए कैसे करते हैं, एकदम टेक्सचर आपको लगता है कि घुल चुका है और एक दूसरे में एम्बाइब हो चुका है, वैसा पीसना है हमें। अच्छा, मैं यहाँ खोलकर देख रही हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे मॉइस्चर लग रहा है, तब मैं यहाँ एक ब्रेड फिर से पीसेस करके डाल रही हूँ। अगर आपका ये समय एकदम घुल चुका है तो आप दो ब्रेड मत डालिएगा, एक ही डालिएगा, बट मुझे यहाँ दो ब्रेड लगे। चलिए, इसे बहुत अच्छा मैंने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए, बीच में इसके स्पेस कर दीजिए, एक स्टील की वाटी रख दीजिए या फॉइल पेपर की वाटी बना के रख दीजिए, उसमें गर्मा गर्म कोयले को रख दीजिए, तेल डाल दीजिए क्विकली या घी या मक्खन डालकर इसे क्विकली ढक कर इसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए और 2-5 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। आप चाहे तो ज्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। चलिए, 4-5 मिनट हो चुकी है, मैं ये हटा देती हूँ और कोयले को फेंक दीजिए, प्याली को साइड पर रख दीजिए। सबसे पहले एक बार मिक्स कर लीजिए मिक्सचर को। और अब है ना, यहाँ साइड पर जो तेल रखा है उसकी मदद से मैं इक्वली डिवाइड कर लेती हूँ ये कीमे को। मैं बना रही हूँ समझिए ना 10 से 11 कोफ्ते। आपके हिसाब से बड़े बनाने चाहें तो आप बड़े बड़े बनाइए तो कम बनेंगे, मैं मीडियम साइज के बना रही हूँ तो ज़्यादा बन रहे हैं। तो अब बस उसे हाथों को थोड़ा सा तेल की मदद से ग्रीस कीजिए और इस तरीके से बॉल बना लीजिए। तो ये हो गया हमारा एक कोफ्ता, इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे कोफ्ते बना लीजिए। तो चलिए, सारे बन चुके हैं ये आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरे गुलाब जामुन की तरह लग रहे हैं। वैसे गुलाब जामुन की भी रेसिपी है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए, अभी हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए और फास्ट आँच पर गर्म कर लीजिए। तेल अच्छा गर्म हो जाए चूल्हा कर दीजिए मीडियम आँच और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारे मटन के कोफ्ते डाल दीजिए। आप चाहें तो 2 बैचेस में डाल सकते हैं, मैं एक ही बैच में बना रही हूँ, लेकिन आप 2 बैच में बनाइएगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। जब कुछ सेकंड्स के बाद आप एक बार चला लीजिए चम्मच से या फिर ऐसे ही पतीली जैसे मैंने किया है वैसा कर लीजिए, तो पता चल जाएंगे कि कुछ चिटक विटक नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई फूट नहीं रहा है। तो मैं तो बाकी के सारी भी डाल रही हूँ इसी के अंदर। और हमारा मकसद यहाँ ये है ना कि उलट पलट करते हुए इन्हें चारों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन आए तक पका लें। हमें पूरी तरीके से पकाना नहीं है, हम बस लाइट गोल्डन ब्राउन इसकी कवरिंग कर रहे हैं सो दैट खाने में और ज्यादा टेस्टी लगे। तो चलिए, ये सारे हो चुके हैं, चारों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं निकाल कर इन्हें साइड पर रख देती हूँ। चलिए, ये देखिए सारे बन चुके, कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं और माशाल्लाह 250 ग्राम में 11 बन गए हैं कोफ्ते, बढ़िया सी बात है। चलिए, इन्हें साइड पर रख दीजिए। सेम वही पतीली के अंदर से तेल थोड़ा निकाल लीजिए। अब इसमें गर्म मसाले डाल दीजिए,
1/4 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा, एक डांडी दालचीनी की, दो हरी इलायची, दो तीन लौंग, दो तीन काली मिर्च और एक तेज पत्ता। ये सारों को तेल के अंदर डाल दीजिए और तड़तड़ा जाने दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब तड़तड़ा जाए ये सारे गरम मसाले, तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। ये टमाटर है एक मीडियम साइज का, मैंने पीस के रखा है। चूल्हा मैंने स्लो पर करके भून रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया था, आप मीडियम पर भी रख के कर सकते हैं। चलिए ये अच्छा भुना गया है तो मैं यहाँ टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ। एक मीडियम साइज का टमाटर था ये। सबसे पहले टमाटर के पेस्ट को मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए, चूल्हा स्लो पर ही रहने दीजिए। आप डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। वैसे ये वाली जो है ना धनिया वाली आधी छोटी चाय की चम्मच है, इसके लिए मैं 3 बार डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं 3/4 छोटी चाय का चम्मच ना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके इसे चला लीजिए और अब हमें भूनना है ये मसाले को। यहाँ पर मैंने साइड पर 1/4 कप पानी डालकर रखा है यहाँ मिक्सर जार के अंदर। चूल्हा मीडियम मैंने कर दिया, इसे थोड़ी देर आधे एक मिनट तक भून लीजिए। जब तेल छूट जाए और तेल ऊपर आ जाए और मसाला थोड़ा भून जाए तो ये पानी डाल दीजिए यहाँ पर जो साइड पर रखा है 1/4 कप वाला, और इसे भी मिक्स कर लीजिए। और इसमें हल्का सा उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आता है तो ढक कर स्लो आँच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये है 1/4 कप जितना बिरिस्ता, इसे मैं बारीक पीस लेती हूँ मिक्सर जार के अंदर डालकर। चलिए ये 3-4 मिनट हो चुकी है, तेल आप देख सकते हो ऊपर आ चुका है। तो ये जो बिरिस्ते का मैंने अभी पेस्ट टाइप बनाया है बिना पानी डाल के बनाया है, हाँ तो ये डाल देती हूँ मैं सारा इसके अंदर। और इसे एक बार चला लीजिए और फिर से ढाक कर स्लो आँच पर दम पर रहने दीजिए, तब तक तेल नहीं छूट जाता। जब तक जब 2-3 मिनट हो जाए और तेल छूटने लगे, तेल छूट जाए तो फिर से 1/4 कप जितना पानी मिक्सर जार के अंदर डालिए जिसमें हमने बिरिस्ता पीसा था उसके अंदर डालकर चलाकर इसमें डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए सालन को स्लो आंच पर, ढक कर इसे फिर से दम पे पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। चलिए 2-4 मिनट हो चुकी है, आप देख सकते हैं तेल छूट गया है। चूल्हा मैं मीडियम आंच पर कर देती हूँ और 1/4 कप जितनी दही डालिए और क्विकली इसे बार बार चलाते हुए दही को मिक्स कीजिए। इतना मिक्स कीजिए आधे एक मिनट तक कि कोई गुठलियाँ ना रहे हाँ, और कुछ ऐसा कटल अपना हो जाए, बस इसी के लिए हमें मिक्स करना है मीडियम आंच पर। जब अच्छे से मिक्स हो जाए और 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक दही भून नहीं जाती और तेल नहीं छूट जाता। चलिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है। सारी चीज़ें 2-3 बार मैंने भूनी थी मसालों को, टमाटर भी 2-3 बार भून चुके हैं, दही भून चुकी है, चूल्हा मैंने फास्ट आंच कर दिया और यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। पानी आप हिसाब से डाल सकते हैं अपने। अब मैं यहाँ 1/4 कप जितना डाल रही हूँ और एक उबाल खिला लीजिए। नमक वैसे तो डाला हुआ ही था तो मैं एडजस्ट नहीं कर रही हूँ, आपको लगे तो डाल दीजिएगा। अब जब उबाल आ जाए तो ये हमने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हैं ये सारा डाल दीजिए। जो प्लेट में थोड़ा बहुत भी तेल वगैरह लगा हो वो भी लेके इसमें डाल दीजिएगा और एक बार मिक्स कर लीजिए और स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 20 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं और मेन तो हमारे कोफ्ते गलने थे, वो गलने के लिए हमने रखे थे, वो हो चुके। एक बार आप छुरी की मदद से चेक कर लीजिए, एकदम आसानी से चले जाएं, इसका मतलब हमारे कोफ्ते हो चुके हैं। चलिए अब आप नमक चखना है, चखकर अगर एडजस्ट करना है तो कर लीजिए। बहुत ही मज़ेदार बनी है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, इसे गर्मा गर्म प्याले में निकाल कर सर्व करें रोटी पराठा फुलका बटर नान किसी के साथ भी। इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये बन गए हमारे मटन कोफ्ता करी, मज़ेदार सी चटपटी सी बढ़िया सी ग्रेवी, मुझे परफेक्ट लग रही है। अगर आपको कम लग रही हो तो 1/4 कप जितना पानी गरम करके ग्रेवी के अंदर डाल दीजिए इसके सालन के अंदर और इसे दम पर स्लो आंच पर 4-5 मिनट पकने दीजिए और उसके बाद बंद करके सर्व कीजिएगा। ए
एक दिन पहले यानी पिछले दिन मैंने 250 ग्राम बोनलेस मटन की चना बूटी करवाई, सारी चर्बी निकाल दी इसकी जो भी लगी हुई थी, उसे दो तीन पानी से धो के 1-1.5 घंटे के लिए छन्नी के ऊपर नितारने रख दिया। जब उसका पानी कम्प्लीटली सूख किया ना, तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था। अब नेक्स्ट डे मैं इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ, आप चाहे तो आप शॉपर में डाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप बोनलेस नहीं लेना चाहते हैं तो आप कीमा ले सकते हैं, लेकिन याद रहे बहुत ज़्यादा चर्बी नहीं होनी चाहिए, उससे फूट सकते हैं, और पानी भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों के वजह से हमारी जो कोफ्ते हैं वो फूट जाते हैं। चलिए इनमें कुछ चीज़ें डाल देते हैं मसाले वगैरह के साथ। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल दीजिए। धोई हुई, नितारी हुई और सूखी हुई थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया, आप थोड़े से पुदीने भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। मैं 2 हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6-7 कली छोटी छोटी थी ना, तो लहसुन की छोटी छोटी ली है, आप ज़्यादा बड़ी हो तो आप 2 या 3 लीजिएगा। ये है बिरिस्ता, मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। नमक स्वाद अनुसार मैं 1/2 छोटे चाय का चम्मच से कम डाल रही हूँ। 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर। वैसे यूजुअली मैं धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ, मैं भुना और दरदरा पिसा हुआ धनिया जो आता है साबुत उसको डालती हूँ, लेकिन खत्म हो गया है तो आज मैंने ये डाला है। 1/2 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच जीरा, भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। चर्बी मैंने सारी निकाल दी थी तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने 1 टेबलस्पून असली घी डाला है और 2 ब्रेड को पीसेस करके इस कदर डाल दीजिए और इसे बंद करके बहुत अच्छा बारीक फाइन पेस्ट टाइप कर लीजिए। ये देखिए ऐसा रहेगा ना कि स्टिकी स्टिकी लगे, बस इसका मतलब आपने परफेक्टली इसे पीसा है। अगर आपको लगे कि स्टिकी नहीं है, इसका मतलब अभी भी पीसना है और इसे अच्छे से पीसते जाइए। चलिए इसे मैं सबसे पहले तो एक बड़े से बर्तन में निकाल लेती हूँ, बीच में स्पेस कर दीजिए, एक छोटी सी वाटी या फिर फॉइल की कटोरी बनाकर बीच में रख दीजिए और गर्मा गर्म कोयला उसके अंदर रख कर थोड़ा सा तेल घी या मक्खन डाल दीजिए और क्विकली ढककर इसके ऊपर कुछ वजन रहने दीजिए और 5-6 मिनट इसी तरीके से रहने दीजिए। चलिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, इसे खोल लीजिए और ये जो कोयला है फेंक दीजिए। वाटी हटाकर सबसे पहले यहाँ पर आप मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा आप चाहें तो तेल वाला हाथ कर सकते हैं, और हमारे जो मिक्सचर है इसे मिक्स कर लीजिए। और अब इसके मैं पोर्शंस बना लेती हूँ, तो तकरीबन समझिए ना आप 11-12 पोर्शंस बनाइए, मैं 11 बना रही हूँ। अब आपको बड़े बॉल्स बनाने हैं, बड़े कोफ्ते बनाने हैं तो आप कम बनाइएगा, और बड़े बड़े बनेंगे कम बनाएंगे तो आप, और मैं थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ तो मेरे 11 निकल रहे हैं। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कीजिए तेल की मदद से और इस तरीके से वो एक पोर्शन लेके इसे बॉल बना लीजिए अच्छे से और इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे बना लीजिए कोफ्ते। तो चलिए मैंने सारे बना लिए हैं, ये आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से लग रहे हैं ना, गुलाब जामुन की याद आ रही है मुझे। तो चलिए अब हम फ्राइंग करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और जब फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए चूल्हा, तेल गर्म हो जाए मीडियम आंच कर ये जो हमने कोफ्ते बनाकर रखे हैं ये डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। आप चाहें तो 2 बैचेस में इन्हें फ्राई कर सकते हैं। हमारा फ्राई करने का यहाँ मकसद ये है कि ये हमें इसे पकाना नहीं है पूरी तरीके से, बस उलट पलट करते हुए इसे हल्का सा है ना, हमें लाइट गोल्डन ब्राउन कवरिंग हो जाए ना आउटर कवरिंग चारों ओर से, तो बस उतना होए उतना निकाल लीजिए आप ड्रेन कर। मैं सारे एक साथ डाल रही हूँ, आप बैचेस में डालिएगा क्योंकि मैंने बहुत बार बना चुकी हूं और मेरे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी फूटे नहीं है। और फूटे क्यों नहीं है, इसके 2 रीजंस होते हैं फूटने के, या फिर आपने जो मटन लिया है या कीमा लिया है उसकी चर्बी उसमें बहुत ज्यादा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि वो पूरी तरीके से अच्छा सूखा नहीं और उसमें पानी बहुत ज्यादा है। तो अगर वो 2 चीज का आप ख्याल रखेंगे तो इसी तरीके से एकदम गुलाब जामुन टाइप लगेंगे आपको और फूटेंगे नहीं। तो चलिए कवरिंग अच्छी हो चुकी है और हल्की हल्की लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, सुनहरी गोल्डन आ चुके हैं कलर उसके ऊपर, तो मैं निकाल लेती हूँ। इसे नितार कर साइड पर रख दीजिए और आगे का प्रोसीजर करते हैं। वही सेम कढ़ाई के अंदर का थोड़ा तेल निकाल लीजिए और थोड़ा रहने दीजिए। इसमें 2 मैंने हरी इलायची डाली है और 1 छोटी डांडी दालचीनी की डाल दी है। 1.5 प्याज को मैंने मीडियम साइज की थी उसे मोटा मोटा काट कर डाल दिया। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कच्ची पक्की टाइप्स ना हो जाए, हमें लाल वगैरह कुछ नहीं करना है। जब आपको थोड़ी सी ये नम हो जाए ना, तो यहाँ पर मैं बीच में ही हरी मिर्चियाँ डाल देती हूँ 2। अब यहाँ स्पाइस आप आपके हिसाब से 3-4 भी डाल सकते हैं हरी मिर्चियाँ। अब जब कच्ची पक्की हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 10-12 काजू,
बहुत ज़्यादा बड़े हो तो 6-7 डालिएगा। 10-12-13 काजू मैंने डाल दिए हैं, इसे आधे मिनट के लिए और फ्राई करती हूँ और इसे सारों को नितार कर साइड पर रख दीजिए। जब हल्का ठंडा हो जाए तो इसे थोड़ा सा पानी डालकर पीस लीजिएगा और उसे साइड पर रख दीजिए। फिर से वही कढ़ाई लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और मैंने तेल थोड़ा वो जो बाहर रख गया तब फिर से डाल दिया, 2 काली मिर्च डाली, 1 तेज पत्ता डाल दिया और इसे हल्का तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच करके भून लीजिए। आपने तब तक भूना जब तक इसके कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब कच्चापन चला जाए इसका तो ये जो हमने पीस के रखा है ये प्याज और सब, तो इसे डाल दीजिए और इसे भी भून लीजिए। तकरीबन 2-3 मिनट तक भूनिए या तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, चूल्हा मीडियम पर ही है। हाँ, मैंने 1/4 कप जितना मिक्सर जार के अंदर पानी डाला है उसमें से चलाकर इसमें जब तेल छूटने लगे तो बस यहाँ पर डाल दीजिए, एक हल्का उबाल आ जाने दीजिए। जब हल्का उबाल आ जाता है तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर इसे भूनने रहने दीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता, 3-4 मिनट लगेगी। चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है, तेल ऊपर आ चुका है आप देख सकते हैं, तो यहाँ मैं चूल्हा स्लो पर ही रहने देती हूँ और एक बार चला लीजिए। अब हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं इसके अंदर। अब डाल दीजिए 1/4 छोटे का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 छोटे का चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटे का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर और 1/4 छोटे का चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। नमक भी डाल दीजिए, क्योंकि मैं तो भूल ही गई मैंने नमक नहीं डाला है, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर चूल्हा मीडियम आंच कर यहाँ 1/4 कप है ना मैं दही ले रही हूँ, खट्टी नहीं है ना ही मिट्टी है, रूम टेम्परेचर पे और बहुत अच्छी फेटी हुई है, चम्मच से मैंने फेट ली थी। इसे डाल दीजिए और कंटिन्यूस इसे मीडियम आंच पर चलाते हुए मिक्स करते हुए पका लें। तब तक पकाएं जब तक थोड़ा सा तेल नहीं छूट जाता। 2-3 मिनट हो चुके हैं भून के और कंटिन्यूस मैं भून रही थी और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा तेल आ चुका है, मीडियम आंच पर भून रही थी। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी है ना दूध से बना रही हूँ, पानी से बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। तो तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया है दूध, नॉर्मल जो दूध पका हुआ होता है अपना बाद में ठंडा किया हो ये वही है। और आप चाहें तो दूध का जो मिज़ान है आप कम या ज़्यादा ग्रेवी के लिए अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 1 कप लें, 1/4 कप लें, मैंने 1.5 कप लिए। इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए और इसके अंदर थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल रही हूँ, 1/4 छोटा चाय का चम्मच। अच्छा, इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो हमारी जो हमने कोफ्ते साइड पर रखे हैं थोड़े फ्राई करके वो डाल दीजिएगा। आप चाहें तो पानी से भी इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। उस सूरत में अगर आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तब आप 1/4 या 1/2 कप दूध डालिए, उसको एक उबाल खिला के स्लो आंच पर 2-3 मिनट पकने दीजिए ढककर। जब थोड़ा सा तेल छूटने लगे उसके बाद उसमें पानी 1 कप या जितना आपने डालना है उतना डालकर उसे फास्ट आंच पर उबाल खिलाने के बाद आपके ये जो कोफ्ते हैं ये डालिएगा। चलिए, मैंने चूल्हा स्लो कर दिया और 2-3 टेबलस्पून जितनी मैंने मलाई डाल दी है इसे भी एक बार चला लीजिए और ढककर स्लो आँच पर तकरीबन 17-18 या 20 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक आपकी ये जो कोफ्ते हैं ये गल नहीं जाते, क्योंकि हमने अंदर से गलाए नहीं है। अब इस सूरत में ये अंदर से भी गल जाएंगे। तकरीबन 17-18 मिनट हो चुके हैं और ये हो चुकी है, गल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से छुरी चली गई, मतलब एकदम अच्छे से गल चुकी है। चूल्हा में कर देती हूँ बंद और ये बन गए हमारी मलाई मटन कोफ्ता ग्रेवी, मज़ेदार, सर्व करने के लिए रेडी है। पराठा, फुल्का, बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए। इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं और अब इसे प्याले में निकाल के सर्व कीजिएगा। अच्छा, मुझे ग्रेवी परफेक्ट लग रही है। अगर आपको ग्रेवी कम लग रही हो, साइड पर 1/4 कप या 1/2 कप जितना पानी गर्म कर लीजिए। अच्छा गर्म हो जाए तो ये ग्रेवी के अंदर डालकर इसे एक उबाल खिला लीजिए फास्ट आंच पर। जब उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके 4-5 मिनट दम पर पकने दीजिए ढककर। जब 4-5 मिनट हो जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद और गर्मा गर्म इसे निकाल कर सर्व कीजिए। तो है ना मजेदार रेसिपी। अगर आप ये वाली मेरी रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।